प्रैक्टिकल कर रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, हमने फाइंड करनी है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो इस वक्त ये ट्रांसफार्मर हमारे पास, उसकी एक साइड जो है वो 230 वोल्ट है, दूसरी साइड 110 वोल्ट है। 230 वोल्ट साइड जो है इसको हमने एज इनपुट बनाया है और इनपुट सप्लाई देंगे, और 110 वोल्ट जो है दैट इज़ द आउटपुट वोल्टेज। अब हमने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है, इसके लिए इनपुट साइड पे एक वाट मीटर लगाया है, सिंगल फेज वाट मीटर है, और इसी तरह एक हमने आउटपुट पे वाट मीटर लगाया है। और आउटपुट में वाट मीटर लगा के हमने लोड ऑन लगा दिया, यहाँ लोड ऑन है, ये देखिए लोड, इसको हम ऑन कर सकते हैं, और इसके साथ हमने लोड का जो करंट है वो मेजर कर सकते हैं। इसी तरह जो इनपुट साइड है उसका भी करंट हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये 230 वोल्ट इनपुट साइड है, तो 500 VA का ट्रांसफार्मर है, तो ये 500 VA डिवाइड बाई 230 वोल्ट, तो ये तकरीबन 2.1 या इतनी वैल्यू आएगी, तो इतना करंट इससे ज़्यादा नहीं गुजरना चाहिए। तो सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हमने करंट एमीटर भी सीरीज में लगा दिया। अब इसको हम जहाँ से सप्लाई देंगे, यहाँ से सप्लाई ऑन कर दी हमने 230 वोल्ट, और सप्लाई ऑन करने के बाद हमने ये वाट मीटर इनपुट कैसे लगाया, ये देखें सप्लाई में, देखें तो यहाँ से आपको नज़र आएगा कि ये एक सप्लाई का टर्मिनल जो है वो एमीटर में के प्लस टर्मिनल में गया, और 5 एम्पीयर वाला हम यूज़ कर रहे हैं साइड, और 5 एम्पीयर के सीरीज में लगा के हमने इसके इसको हमने यहाँ से सीरीज में लगाया 5 एम्पीयर का, और इसमें देखें आप तो 5 एम्पीयर की सीरीज में लगाने के बाद हमने इसको यहाँ से एमीटर से होता हुआ ये एमीटर लगाया, और एमीटर की सीरीज से एक टर्मिनल जो है हमने उसका ट्रांसफार्मर का कनेक्ट कर, दूसरा टर्मिनल देखें तो दूसरा जो है वो डायरेक्ट आपका जो दूसरा टर्मिनल है वो देखें तो डायरेक्ट ही आपका वो इधर ट्रांसफार्मर के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इसकी जो वोल्टेज कॉइल है वो हमने 240 वाली यूज़ किया है, चूँकि 230 वोल्ट है, 240 वोल्ट वाली कॉइल जो है इसके पैरेलल में है, तो आप देखें तो एक टर्मिनल जो ये करंट एमीटर में आ रहा था, तो एक उस टर्मिनल से हमने वोल्ट मीटर के पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, और दूसरा वोल्ट मीटर का टर्मिनल जो है वो दूसरी जो सप्लाई आ रही थी यहाँ से, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो वोल्टेज कॉइल जो है वाट मीटर की पैरेलल में है, और करंट कॉइल सीरीज में। अब इसके अंदर आप देखें तो यहाँ से हमने इसकी आउटपुट साइड पे भी हमने आउटपुट साइड पे हमने ये क्या किया कि ये देखें यहाँ से आउटपुट साइड जो 110 वोल्ट है उसके आगे भी वाट मीटर लगाया, इसमें देखें ये करंट कॉइल जो है वो हमने सीरीज में लगाई है, सीरीज में लगाने के बाद ये क्लैंप ऑन मीटर लगा के हमने लोड कनेक्ट कर दिए, और दूसरी जो साइड है इसकी वो देखें तो दूसरी साइड हमने ये देखें डायरेक्ट जो है वो यहाँ से आ रही सप्लाई, और डायरेक्ट लोड के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर दी। अब जो वोल्टेज कॉइल है वो देखें तो वोल्टेज कॉइल हमने क्या किया है कि 120 वोल्ट वाली यूज़ किया, क्योंकि एक दो 10 वोल्ट है, तो 120 वोल्ट वाली कॉइल जो है वो इसके बिल्कुल पैरेलल में होगी। तो अगर हम चेक करना चाहें तो ये देखें एक टर्मिनल जो है 120 वोल्ट के एक टर्मिनल के साथ है, और दूसरा टर्मिनल जो एमीटर की सीरीज में वो देखें तो वो हमने वोल्ट मीटर के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट किए। तो इस तरीके से कनेक्शन मुकम्मल हो गए। अगर हम अब चेक करना चाहें, चूँकि वाट मीटर जो है इनपुट वाट मीटर है ये 240 वोल्ट और 5 एम्पीयर है, तो इसका जो मल्टीप्लायर होगा वो होगा 240 और 5 एम्पीयर 10 मल्टीप्लाई होगा, जो भी रीडिंग आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करें, और इधर जो है वो 120 वोल्ट और 5 एम्पीयर है, तो 120 और 5 एम्पीयर ये मल्टीप्लाई 5 होगा इसका 5, तो इसको जो भी रीडिंग आएगी इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट लोड ऑन करते हैं। फर्स्ट लोड ऑन करने के बाद हमने इसको करंट भी चेक कर सकते हैं, करंट चेंज हुआ है, और उसके बाद हमने इसकी रीडिंग लेनी है। तो आप वाट मीटर की पहली रीडिंग लेने की कोशिश करते हैं, तो ये रीडिंग इस वक्त है हमारी, इस वक्त ये है ये 5 पे, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई, तो ये 50 वाट आ गया। और इसी तरह अगर ये रीडिंग देखें तो ये इस वक्त रीडिंग है हमारी 7 पे है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, चूंकि मल्टीप्लाई तो 35 आ गया, तो आउटपुट वोल्टेज वाटेज है 35 है और इनपुट 50 वाट है। तो इस तरह हम आउटपुट और इनपुट एफिशिएंसी निकालेंगे। नेक्स्ट इसी तरह आप लोड ऑन करेंगे, लोड ऑन करके आप ये रीडिंग ले सकते हैं। तो इस वक्त हम रीडिंग लें अगर, तो ये आ गई है हमारी 7 पे है, तो ये 70 वाट आ गई, और ये इस वक्त हमारी है रीडिंग तकरीबन 11.5 है, तो 11 करें तो ये 55 और 57 तकरीबन 57 आ गया, और वो जो है 70 वाट इनपुट और 57 वाट जो है आउटपुट आ गया। इसी तरह हम थर्ड लोड ऑन करें, तो लोड ऑन करेंगे तो ये हमारी रीडिंग जो है इस वक्त ये तकरीबन है ये 10 और 11 है, तो 110 वाट आ गई, और ये अगर रीडिंग हम नोट करें आउटपुट वाट, तो आउटपुट वाट हमारे हैं इस वक्त 19 पे है, तो 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 पे,
तो ये 95 वाट आ जाएगी, तो 110 वाट इनपुट। और तो इस तरीके से नेक्स्ट लोड ऑन करते जाएं, और ये नेक्स्ट लोड ऑन करके आप इसको देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग जो है इस वक्त वाटेज की वो है 130 वाट है। और ये अगर हम देखें तो ये 23 है, 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 वाट। तो 115 और 100 इधर आपकी 130 आ रही है, तो वो 115 डिवाइड बाई 130 ये नेक्स्ट आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट लोड ऑन करें, तो नेक्स्ट लोड ऑन करने के बाद आप देखेंगे कि इसकी इनपुट जो है वो आपकी है 16 160 वाट। और इधर आउटपुट देखें तो ये 30 पे, तो 5 पे इसको करेंगे मल्टीप्लाई 5 से, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 150 आ जाएगा। और ये जो है इस वक्त कितनी थी 150, और ये तकरीबन 16 और 162 है, तो 162 इनपुट आ गई। इसी तरह नेक्स्ट लोड ऑन करें, आपको करंट भी नज़र आ रहा होगा, इसमें देखें अगर आप तो इस वक्त जो इनपुट वाटेज है वो हमारी 19 पे है तकरीबन 190 वाट, और आउटपुट वाटेज जो है या आउटपुट पावर जो है वो तकरीबन 35 पे है, तो 175 वाट आ जाएगी। और ये इस वक्त हमारी इनपुट जो है वो 190 है। तो इसी तरह नेक्स्ट लोड ऑन करें, तो नेक्स्ट लोड ऑन करेंगे तो ये हमारा 2 एम्पीयर पे चला गया। करंट को हमने लिमिट रखना है, कोशिश करनी है कि उसकी रेटेड वैल्यू से ना आगे जाए। तो इनपुट पावर देखें तो इस वक्त हमारी 25.5, तो 25.5 का मतलब है 25.5, तो 255 वाट आ गई। और आउटपुट पावर जो है वो हमारी इस वक्त है 48 पे है, तो 48 का मतलब है 240 वाट आ गई। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट लोड ऑन करते हैं। लास्ट लोड ऑन किया तो हमने देखा कि ये जो इनपुट पावर है हमारी वो 29 पे है, तो 290 आ गई वाट। और आउटपुट जो है वो हमारी 55 पे है, तो 55 का मतलब 274 और इधर हमारी है 290। तो इस तरीके से हम सारे लोड ऑन करके हमने इसकी एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की वो टेबल फिल करके हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं।